मुजफ्फरपुर में राजा बाबू उर्फ नीलेश राज हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीम सेरिया के नेतृत्व में गुरुवार को सभी व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। सभी व्यवसायियों ने सूतापट्टी गोदाम गली में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन है, ये राजा बाबू की जो हत्या हुई है जिसको कि आज नौवां दिन है, लेकिन अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। तो कल हम लोगों ने नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यह निर्णय लिया था कि आज का दिन मुजफ्फरपुर में हम लोग काला दिन के रूप में मनाएंगे और ये आंदोलन जो है ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि हत्यारे जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो यह हमारा आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन होगा और इसकी रूपरेखा आने वाले दो दिनों में हम लोग तय करने वाले हैं। डीएसपी साहब आए थे चैम्बर में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक से दो दिन में हम हत्यारे को गिरफ्तार कर लेंगे। हम लोग भी आसानी से अगर गिरफ्तार हो जाता है तो हम लोग व्यवसायी आंदोलन करना हम लोग का पेशा नहीं है, राजनीति करना हम लोग का पेशा नहीं है, लेकिन यदि हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग दो तीन दिनों के अंदर बैठक करेंगे और आगे के आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। कितने असहज महसूस कर रहे हैं? बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। दिन दहाड़े जो है सो शाम को जो है सो व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज दसवां दिन है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, क्योंकि हम व्यवसायी हैं, हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके आश्वासन को भी मान रहे हैं, लेकिन पानी जो है सर से बाहर जो है सो चला गया है। हम लोग अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं तो दो से तीन दिनों में आने वाले दो से तीन दिनों में बैठक करेंगे और आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। मुआवजा को लेकर भी कल चैम्बर में बातचीत हुई है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको मुआवजा मतलब दिया जाए, क्योंकि वो 26 साल का नवयुवक था, एक उनको 3 साल की बेटी है और उनकी पत्नी जो है सो गर्भवती है 4 माह की। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल जो है सो मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उचित मुआवजा देकर जो है सो उनके परिवार को जो है भरण पोषण का जो है उचित इंतजाम किया जाए, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम व्यापार करते हैं और हम असुरक्षित अपने आप को महसूस तब तक करते रहेंगे। इस प्रकार का ये जो जंगल राज का कार्यक्रम चल रहा है इसको तत्काल प्रभाव से प्रशासन रोके और हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सोचना चाहिए कि व्यवसायी जब इस प्रकार मरता रहेगा तो राजस्व आएगा कहाँ से? फिर वही स्थिति आएगी कि व्यापारी अपना व्यापार को पलायन करना शुरू कर देगा। ऐसे भी बिहार कितनी प्रगति पे वो सबके ध्यान में है, ना उद्योग है ना धंधा है, जो मन में आता है सब गुंडागर्दी का राज चल रहा है।